मान सिंह का, आशीष चौहान जी महाप्रबंधक एसबीआई लखनऊ, श्यानंद मिश्र जी और सेवा भारती के प्रांत अध्यक्ष राहुल सिंह जी आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित है। मुख्यमंत्री की सलाहकार के साथ साथ प्रदेश के पूर्व अपर मुख्य सचिव श्री अवनीश अवस्थी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्त जी और भारी संख्या में उपस्थित गोरखपुर के महानगर ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए महिला समूह से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मकर संक्रांति के और लोहड़ी के एक दिन पूर्व जेके समूह के द्वारा और एनएसडीएल के तत्वाधान में आज दो बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें एक और महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है और दूसरी तरफ दूर दराज के ग्रामीण और अति पिछड़े क्षेत्र में जरूरतमंदों के लिए मेडिकल वैन की सुविधा के लिए दो मेडिकल मोबाइल वैन के शुभारंभ का कार्यक्रम। एक मेडिकल वैन गोरखपुर के बनटांगिया और बॉर्डर क्षेत्र के थारू और उन सभी गरीब जरूरतमंदों को मेडिकल सुविधा गोरखपुर के माध्यम से उपलब्ध कराएगी और दूसरी मेडिकल वैन वाराणसी के माध्यम से चंदौली सोनभद्र के जनजातीय क्षेत्रों में उन सभी गरीब और जरूरतमंदों तक मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इन दो पवित्र कार्यक्रमों के लिए जेके समूह को, एनएसबीएल और एसबीआई को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस समूह से जुड़े हुए और दोनों प्रतिष्ठानों से जुड़े हुए अधिकारियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सभी उपस्थित आगत यहां पर गोरखपुर की बहनों और भाइयों का मैं हृदय से इस पूरे समारोह में, आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं कि आज आप सब यहां पर इतनी भीषण शीतलहरी के बावजूद यहां पर आए हैं। हम सब जानते हैं कि आधी आबादी का सशक्तिकरण किए बगैर हम भारत को सशक्त और समर्थ नहीं बना सकते। उनके लिए उन्हें सुरक्षा का वातावरण देना पड़ेगा, उनके प्रति उनका स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करना पड़ेगा और जब उनका उनकी सुरक्षा का वातावरण होगा, उनके सामने स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त होगा तो स्वतः ही सम्मान का भाव भी होगा। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान। आज का ये कार्यक्रम एक और आधी आबादी के स्वावलंबन से जुड़ा हुआ अभियान है। 1150 सिलाई की मशीन, और केवल मशीन नहीं बल्कि उनका 10 दिवसीय प्रशिक्षण भी हुआ, सिलाई से उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम, और प्रशिक्षण लेने के बाद फिर उन्हें आज जेके समूह के द्वारा यहां पर ये सिलाई मशीन वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। एक अभिनव प्रयास है, मुझे जेके समूह के इस कार्यक्रम में कानपुर में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। 28 अक्टूबर को कानपुर में 1001 सिलाई की मशीन हम लोगों ने वहां पर उपलब्ध कराई। हम सब जानते हैं कि आज यहां पर जो सिलाई की मशीन दी जा रही है, ये सभी उन परिवारों के स्वावलंबन का आधार बन सकती बनेंगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह किसी को भी नहीं होना चाहिए।
जेके समूह के बारे में हर व्यक्ति जानता है, गोर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख और मैं कहता हूं कि उत्तर भारत का एक प्रमुख औद्योगिक घराना, जिसने कानपुर को एक समय औद्योगिक क्रांति का अग्रदूत बना दिया था देश के अंदर। और उस समय कानपुर जब यह जेके समूह वहां पर लीडरशिप इनके हाथ में थी, तो कानपुर देश के चार बड़े महानगरों में गिना जाता था, जिसमें कानपुर भी आर्थिक समृद्धि के उस दौर से गुजरा था। लेकिन बाद के कालखंड में परिस्थितियां विपरीत हुई, सरकार और स्थानीय स्तर पर जिस प्रकार का समर्थन और सपोर्ट मिलना चाहिए था, जिस प्रकार से कम्युनिस्टों की घुसपैठ होती है और उसके बाद औद्योगिकीकरण का जब दौर वहां का समाप्त हुआ, आज उसका खामियाजा पूरे कानपुर को, पूरे मध्य यूपी को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जेके समूह ने वहां पे भारत के परंपरा के अनुरूप धर्म से जुड़े हुए बहुत अच्छा मंदिर वहां बनाया, इंस्टीट्यूशंस बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, आज भी जो जनता जनार्दन की सेवा वहां पर दे रहे हैं, औद्योगिक गतिविधियां उनकी चल रही हैं, लेकिन साथ साथ सेवा के प्रकल्प को भी उन्होंने उसके साथ जोड़ करके जिस प्रकार से वहां पर महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, सशक्तिकरण के लिए कार्य किया है, यह अत्यंत सराहनीय है, अभिनंदनीय है। और आज 1150 महिलाओं को ये मशीन, जिसमें यहां पर ग्रुप बना करके उनके प्रशिक्षण हुए, अलग अलग उसमें प्रशिक्षण हुए, उनके प्रशिक्षक भी यहां आए थे और उन्होंने इन सभी कार्यक्रमों की नजदीक से देखभाल की। आज यहां पर इन सभी समूहों को ये मशीन वितरण का कार्यक्रम हो रहा है, मैं इसके लिए जेके समूह को हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनके पूरे इन कार्यक्रम की सराहना भी करता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की टॉप प्रायोरिटी में महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान, उनका स्वावलंबन है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के बाद ही उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान चलाया था और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद महिला सशक्तिकरण के लिए देश के अंदर अनेक कार्यक्रम चले। उन कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला है, श्रृंखला आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस श्रृंखला ने देश को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में योगदान दिया। चाहे वह जनधन अकाउंट हो, चाहे वह उज्ज्वला योजना के कनेक्शन हो, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम हो, चाहे वह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की योजना हो, या फिर ये लंबी श्रृंखला मातृवंदना योजना का है, और भी अन्य तमाम कार्यक्रम चले और वो चलते चलते आज वहां तक पहुंचे हैं कि मोदी जी ने नारी बंधन अधिनियम, जिसमें देश की संसद और देश की विधानसभा में भी अब महिलाओं को 33% आरक्षण प्राप्त होगा, वे सांसद और विधायक भी चुनकर के जाएंगी आने वाले समय में, यह कार्य भी अधिनियम पारित करके मोदी जी ने सुनिश्चित कर दिया। उत्तर प्रदेश में भी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से हम लोगों ने अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ किए, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना भी है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना भी है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना में बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए सरकार उन्हें अनुदान देती है। पहले 15,000 की राशि थी, अब हम इस नए वित्तीय वर्ष में उसे 25,000 करने जा रहे हैं। बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपए की राशि सरकार उस परिवार को उपलब्ध करवाती है। और ये सभी कार्यक्रम इस रूप में जुड़े हुए हैं जिससे महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम हो सके। आज
प्रदेश में निवासित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन की राशि को 1,000 रुपये करते हुए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर वर्तमान में 1 करोड़ परिवार को यह पेंशन की राशि हम उपलब्ध करवा रहे हैं। आप अनुमान करिए, ये 1 करोड़ लोगों के पास, पहले इनको बहुत कम लोगों को 300 रुपये महीने की पेंशन मिलती थी, हमने उसको बढ़ा के 1,000 रुपया किया और पूरी व्यवस्था आज उनको हर तीसरे महीने उनके अकाउंट में पैसा जाता है। ऐसे ही राशन जरूरतमंदों को राशन कार्ड की व्यवस्था, स्वामित्व योजना के अंतर्गत जहां पे उनका मकान है ग्रामीण क्षेत्र में, वहां का मालिकाना अधिकार उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य है, कार्य भी किया गया। महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से भी अनेक कदम उठाए गए, जहां पे महिला स्वयंसेवी समूह अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण इसलिए भी है, एक सिलाई की मशीन एक परिवार को आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करेगी और दूसरा गोरखपुर को रेडीमेड गारमेंट के एक हब के रूप में भी आप विकसित करने में योगदान दे सकते हैं। अगर ये सभी मिलकर के एक समूह, अलग अलग समूहों का गठन करके मार्केट से जुड़ जाएंगे तो मार्केट से कपड़ा मिला, इन्होंने सिलाई की, प्रति नग के हिसाब से उन्हें पैसा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हर महिला प्रतिदिन 500 से लेकर के 1,000 रुपये आसानी से कमा सकती है एक ही मशीन से। लेकिन इसके लिए हमें और प्रयास करना होगा, समूह बनाना पड़ेगा, रेडीमेड गारमेंट के साथ मार्केट से जुड़ना पड़ेगा और इस व्यवस्था के माध्यम से आप बड़ी संख्या में आधी आबादी के सशक्तिकरण और उनके स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। एक अभिनव प्रयास है, मैं जेके समूह को इस कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। दूसरा, आज यहां पर 2 मोबाइल मेडिकल वैन जो हमें आज यहां पर प्राप्त हुई है, जिसमें सुशी पद्मजा जी ने जो एमडी और सीओ रहे हैं एनएसडीएल के, उन्होंने उसके माध्यम से ये मेडिकल वैन राज्य सरकार को उपलब्ध कराई है। और जब ये 2 मेडिकल वैन का प्रस्ताव मेरे सामने आए तो मैंने उस समय मेरे मन में आया कि वास्तव में ये मेडिकल वैन सभी प्रकार की मेडिकल इक्विपमेंट से लैस है, पूरी सभी प्रकार के मेडिकल की सुविधाएं इस मेडिकल वैन के माध्यम से मिल सकती हैं। उसमें केवल डॉक्टर बैठे, पैरामेडिक्स बैठे, और अगर गांव में जाएं तो गांव के लोगों को गांव के अंदर ही हॉस्पिटल की सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं। और इस दृष्टि से इसके लिए कहां इन मेडिकल वैन को उपलब्ध करवाना है, तो मुझे लगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 2 प्रमुख क्षेत्र, एक जिसमें वाराणसी के माध्यम से सेवा भारती पहले से वहां पर इस कार्यक्रम को कर रही है और वहां पर इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने वाराणसी में मुसहर जनजाति से जुड़े हुए लोगों के लिए, चंदौली के नौगढ़ के माध्यम से जितने भी जनजातीय समूह हैं उनके बीच में जाकर के सेवा के एक बड़े प्रकल्प को आगे बढ़ाया है। और वहां के सेवा भारती के अध्यक्ष श्री राहुल सिंह जी आज स्वयं भी यहां पर आए हैं, वहां के जिला प्रशासन के माध्यम से सेवा भारती इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी, जो वहां के वनवासियों के बीच में, जनजातीय समुदाय के बीच में इस कार्यक्रम को लेकर के कार्य करेगी। तो ये वाराणसी के लिए वहां के जिला प्रशासन के माध्यम से इस वैन का संचालन वहां पर होगा, जहां पर डॉक्टर, पैरामेडिक्स और अन्य प्रकार की सुविधाओं का संचालन वहां से उपलब्ध करवाया जाएगा। जरूरतमंदों को दवा उपलब्ध करवाना, आवश्यक जांचें करवाना, ये सुविधाएं वहां पर होंगी। और दूसरा, गोरखपुर से प्रारंभ कराएंगे, जहां पे डॉक्टर, पैरामेडिक्स, दवा की व्यवस्था रहेगी और दूर दराज के गांवों में, मलिन बस्तियों में, बंटांगिया गांवों में, थारू जनजाति से जुड़े हुए गांवों में, मुसर जातियों, मुसर समाज से जुड़े हुए लोगों के गांवों में, भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में
इस मेडिकल वैन का उपयोग करके यहां पर मेडिकल की स्वास्थ्य सुविधा उन दूर दराज के गांव में जहां डॉक्टर प्रत्यक्ष पहुंच नहीं पाता है, वहां पर यह मेडिकल वैन एनएसडीएल और एसबीआई के माध्यम से वहां पर पहुंच करके, प्रशासन के सहयोग से वहां पर पहुंच करके उन जरूरतमंदों को ये सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। आज मैं इसके लिए सुश्री पद्मजा जी का और एसबीआई का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मेडिकल वैन को, जो हर प्रकार की सुविधा से लैस है, आज ये उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा करके इस करवा रही है। इसके लिए हजारों लोग इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे और उन जरूरतमंदों तक जिन तक डॉक्टर कभी नहीं पहुंच पाया था, आज वहां पर यह मेडिकल वैन पहुंच करके उनको वहां पे स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ आज एक कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मकर संक्रांति के एक दिन पहले इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना एक अभिनव प्रयास है। मैं इसके लिए इन दोनों समूह को, एनएसडीएल को, एसबीआई और जेके समूह को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जरूरतमंदों की सेवा के लिए हम लोग अपने सीएसआर के मत का बेहतर उपयोग करते हुए उनके स्वावलंबन के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए और उनकी जरूरतों को पूरा करने में अपना योगदान दे रहे हैं। इसके लिए मैं राज्य शासन की ओर से भी उनका हृदय से धन्यवाद देते हुए अभिनंदन करता हूं और आप सभी लाभार्थियों को जो यहां पे प्रत्यक्ष रूप से आत्म सिलाई मशीन प्राप्त कर रही हैं, इनको बधाई देता हूं, मकर संक्रांति की अपनी शुभकामना देता हूं और साथ साथ जिनसे जिन्हें मेडिकल वैन की सुविधा प्राप्त होने वाली है उनको भी, सभी को मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं कि उनको उनके घर में ही स्वास्थ्य की सुविधा इस प्रकार की मेडिकल वैन के माध्यम से हमें प्रदान करने में सहायता प्राप्त होगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको मकर संक्रांति, लोहड़ी और जो भी पर्व और त्यौहार इधर हमारे प्रारंभ हो रहे हैं, इन सब की अपनी शुभकामनाएं देता हूं और 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का भी एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 500 वर्षों के बाद यह अवसर हम सबके सामने आने जा रहा है। स्वाभाविक रूप से हर सनातन धर्मावलंबी, हर भारतवासी प्रफुल्लित है और प्रफुल्लित इसलिए है कि यह 500 वर्षों के बाद कई पीढ़ियों ने अपने आप को खपा दिया इस आंदोलन के साथ, इस अभियान के साथ, और आज वह अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है कि भव्य समारोह हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की भी हृदय से अभी से बधाई देता हूं। हमारा दायित्व क्या होगा कि कल से स्वच्छता के कार्यक्रम को, हमारा घर परिवार साफ सुथरा रहे, गांव साफ सुथरा रहे, मोहल्ला साफ सुथरा रहे, पहला काम, क्योंकि ईश्वर वहीं आते हैं जहां साफ सफाई रहेगी। दीपावली के पहले, पर्व और त्योहार के पहले हम अपने घर की लिपाई पुताई पोछा लगा के सब साफ सुथरा करके रखते हैं, तो सबसे पहला काम सफाई का, स्वच्छता का। दूसरा, भगवान के आगमन के पहले अखंड रामायण का पाठ हो, घर के परिवार के लोग आपस में ही राम नाम संकीर्तन का काम करें, परिवार के लोग ही आपस में बैठ करके कार्यक्रम कर सकते हैं, गांव के लोग मिलकर के देव मंदिर में भजन कीर्तन का कार्यक्रम कर सकते हैं, ये 16 से लेकर के 22 तक लगातार चले। 22 को जब अयोध्या का कार्यक्रम चल रहा हो उसको हम लाइव देखें कैसे कार्यक्रम अयोध्या का हो रहा है 500 वर्षों के बाद। याद करिए कितनी पीढ़ियां खप गई, आपके पूर्वजों ने भी उसमें योगदान दिया होगा, किसी न किसी रूप में योगदान दिया होगा, किसी ने भावनाओं से दिया होगा, किसी ने प्रत्यक्ष रूप से दिया होगा, किसी ने चंदे के रूप में दिया होगा, किसी ने किसी रूप में दिया होगा, इस सभी का योगदान है और सामूहिक योगदान का परिणाम आज वहां पे हम सबको देखने को मिलेगा। हम उस कार्यक्रम को देखें और फिर जब कभी अयोध्या 22 के बाद अवसर मिले तो एक बार अयोध्या में प्रभु राम का दर्शन करके नए भारत का, नए उत्तर प्रदेश में नई अयोध्या और रामलला का दर्शन करने का सौभाग्य भी सबको प्राप्त हो, इसके लिए व्यवस्था बनाएंगे भी, आपको वहां दर्शन कराने की व्यवस्था भी करवाएंगे। कितने लोग दर्शन करना चाहते हैं अयोध्या में? वाह, सभी लोग तैयार हैं।
आप चिंता मत करिए, आपका नाम नोट करवा करके अवश्य वहां की व्यवस्था करवाएंगे। तो आप सबको मैं आज के इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप इन दोनों सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर पाएंगे, इसके लिए मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद।